जिला मुरादाबाद के विकासखंड मुंडा पांडे के ग्राम पंचायत भूजपुर आशा के ग्राम प्रधान किशन पाल यादव द्वारा सभी क्षेत्रवासियों व ग्रामवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं कोरोना काल में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नियमों का पालन करते हुए शांति व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ त्योहार मनाने की अपील की गयी। ग्राम प्रधान किशन पाल यादव के द्वारा सभी क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम यहाँ मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के भूजपुर आशा ग्राम पंचायत में। यहाँ हमारे साथ ग्राम प्रधान इस वक्त मौजूद हैं। जैसे कि त्योहारों का रंग इस वक्त दिन पर दिन तेजी से जो है चढ़ाव पर है, दीपावली का त्योहार करीब है, इसको लेकर के ग्राम प्रधान किस तरह की अपील अपने ग्रामवासियों से करना चाहते हैं, क्या शुभकामनाएं वो दे रहे हैं, आइए बात करते हैं। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधान जी, दीपावली का त्योहार नजदीक है, सबसे पहले तो अपने ग्रामवासियों को इसकी आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे। सभी ग्राम पंचायत भूजपुर आशा के सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी से विलम्ब निमित रहेगा। सरकार की जो गाइडलाइन है पटाखों का पूर्ण प्रतिबंध है प्रदूषण को देखते हुए, इसका इस्तेमाल नहीं करें और आपसी दूरी बनाए रखें। सरकार के जो दिशा निर्देश है उसी के अनुसार कार्य करें, जिससे सरकार के किसी भी कार्य में बाधा नहीं पड़े। जी, जैसे कि इतनी गाइडलाइंस जो यहाँ पर सरकार द्वारा रखी गई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं त्योहार का रंग कभी हल्का सा फीका भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें कहीं आपको ऐसा लगता है कि ग्रामवासी ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि गाइडलाइंस को अनदेखा करते केवल त्योहार को मनाया जाए, ऐसा तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं, हमारे गाँव के लोग बहुत ही सभ्य हैं, बहुत ही सभ्य लोग हैं हमारे गाँव के। जो भी सरकार की गाइडलाइन होती है उसी के अनुसार हमारे यहाँ के लोग कार्य करते हैं। हमारे यहाँ पर मेला भी चलता है माता रानी का, वो भी हमारे कोरोना काल को देखते हुए पोस्टपोन कर दिया गया हमारे यहाँ के लोगों ने, और हमारे यहाँ सभी शांतिपूर्ण त्यौहार होते हैं, हम सरकार के नियम का पालन करने वाले लोग हैं। दूसरा जी, और कुछ कहना चाहेंगे त्यौहार को लेकर अपने ग्रामवासियों से? सभी ग्रामवासियों से यही निवेदन मेरा, शांतिपूर्ण त्यौहार मनाएं और अपने आराम से घर पर रहें, ज़्यादा भीड़ भाड़ कहीं इकट्ठी नहीं होने दें और पटाखों का इस्तेमाल नहीं करें, यही मेरा हाथ जोड़ कर सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्रधान जी, जैसे कि त्यौहार तो आ ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो आगे आगे समय बढ़ता जा रहा है, चुनाव भी दिन ब दिन नज़दीक आ रहे हैं, चुनावों की सरगर्मियाँ पंचायतों में तेज होती जा रही है, तो इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है चुनाव को लेकर? हमारे लिए यही प्रतिक्रिया है, चुनाव का समय अभी 2-4 महीने बाकी हैं, बाकी इस समय तो हमारे यहाँ के लोग सब त्यौहार व्यस्त हैं। चुनाव के बारे में क्या कहना है, चुनाव प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमने गाँव में विकास कराया है, 50 साल में ऐतिहासिक विकास कराया है, हमारे गाँव के लोग बहुत सभ्य बहुत समझदार हैं, हमें किसी से कहने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप ही विकास से मोहन लगाते हैं। जी, फिर क्या करना है? मैंने आप ये बात मानते हैं कि जनता इतनी जागरूक है कि वो केवल अपने विकास को और अपने यहाँ हुए हुए कार्यों को देख करके आगे का नतीजा निकालेंगे? जनता जानती है कौन हमारा ऐतिहासिक है, हम पे झूठे बहकावे नहीं होते हैं कि हम तेरा ये कर देंगे वो कर देंगे, हम विकास कराते हैं, विकास धरातल पर होता है, सभी को दिखता है। हम झूठे हवाई बातें हमारे पास नहीं होते हैं, हमने जो विकास कराया है वो हर जगह गाँव में जाकर आप मालूम कर सकते हैं। जी, हमें अपने यहाँ के ग्रामवासियों से पूर्ण आशा है, जो भी वो निर्णय लेंगे हमें उनका निर्णय सर माते होगा, हम उनके निर्णय का स्वागत करेंगे। जी,